ओम सभी को शुभ नमस्ते। सजनों, आज हम नक्सीर जो रोग है, जो खून बहता है, बच्चों को अक्सर छूट जाती है, बड़ों को भी छूट जाती है कई बार, लेकिन बच्चों को ज़्यादा गर्मी के मौसम में अक्सर ये छूटती है, तो बहुत खून बह जाता है और बच्चे तो घबरा जाते हैं उसमें। तो उस नक्सीर से बचने के लिए हम क्या करें, थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक तो शीशम के पत्ते 7 से 10-11 पत्ते तक खा लें, चबा के चटनी सी बना लें, या तो उसको चम्मच में डाल के और मुंह में लेके 2 घूंट पानी पी लें और अंदर ले जाएं। दूसरा, पीपल के पत्तों का जो थोड़ा सा रस निकाल के, 6-7 पत्ते रगड़ के उसका रस निकाल के 2-2, 3-3 बूंद नासिका में डाल दें, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये दोनों भी कर सकते हो, या साथ में आप गोंद कतीरा होता है, पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, रात को 1 चम्मच भिगो दें, सुबह उसमें फूलने के बाद कटोरी भर जाती है, और थोड़ी मिश्री मिलाएं स्वाद के अनुसार, मिश्री भी ठंडा तासीर है, और मिश्री मिला के उसको खा लें, आपका नक्सीर रोग बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। हाँ, उसके लिए आप गर्म पदार्थों से अवश्य बचें, ये परहेज करना पड़ेगा। गर्म मसाले हैं, थोड़ा फास्ट फूड हैं, चाउमीन पिज्ज़ा इत्यादि हैं, इन सब से, तेलीय पदार्थों से बचना होगा। और साथ ही आपको चंद्रभेदी, शीतकारी और भ्रामरी, ये 3 प्राणायाम और करा दें उन बच्चों को, उनकी याददाश्त भी अच्छी होगी। तो चंद्रभेदी तो ये हो गया, उल्टे नाक से भरें, सीधे से निकालें, उल्टे से ही भरें, सीधे नाक से निकालें, बार बार उल्टे से ही भरें और सीधे से निकालें, ऐसे 5 से 7 मिनट कर लें। और शीतकारी प्राणायाम यह, होंठ खोल के दांतों से अंदर श्वास खींचना है, मुंह बंद करके नाक से निकालना, फिर भरा, तीस चालीस बार ऐसे कर लें, कोई थकान नहीं होती, कोई ज़्यादा देर नहीं लगती। और भ्रामरी प्राणायाम ये, कान अच्छे से बंद करें, श्वास भरा, मुंह बंद करके ओम बोलना है, यहाँ से हड्डी दबाएंगे तो ऊपर वाइब्रेशन होगी मस्तिष्क के अंदर, और ये वाइब्रेशन हमारी उन सब मांसपेशियों को सुदृढ़ता और मजबूती देगी, जहाँ से वो फूट के हमारा रक्त बाहर स्रवित होता है, उस दिक्कत को दूर कर देगा। तो देखिए, भरा श्वास, श्वास निकला इस समय, तब आवाज़ आ रही थी, फिर श्वास भरा और फिर ऐसे ही करें, तो ये हो गया। और इसमें सजनों, आप ऐसे बच्चे को या ऐसे बड़े जो भी है जिनको नक्सीर छूटती है, कॉटन गीला करके और इस हिस्से पे रखें, नाक का हिस्सा थोड़ा काट लेंगे जिससे श्वास प्रश्वास में दिक्कत ना आए, और ये पूरे मुखमंडल पे, माथे पे, सारे पे कॉटन गीला करके रखें, फिर थोड़ी देर में शरीर की गर्मी से वो सूख जाएगा, उसकी खुश्की आ जाएगी उसमें, फिर दोबारा उसको निचोड़ के गीले पानी से, चाहे वो बर्फ़ का पानी भी रख सकते हैं या घड़े का पानी में गीला कर सकते हैं, और उसको रखें, आपकी कुछ दिन में नक्सीर ठीक हो जाएगी। हाँ, ठंडी चीज़ों में के सेवन से आपको विशेष लाभ मिलेगा, खीरा है, ककड़ी है, खरबूजा है, तरबूज है, बेल पत्थर है, और नारियल पानी है या नारियल कच्चा खाएं, इन लस्सी है, नींबू शिकंजी है, इन देसी चीज़ों पे आप आ जाएं, ऐसे बच्चों को लाएं, और ये जो पेप्सी कोला है और किसी तरह के भी ये सॉफ्ट जो ड्रिंक है हमारे, वो बहुत हानिकारक हैं, उन्हें ना पिए बच्चे, ये ध्यान रखें। और हमारी भारतीय जो पेय पदार्थ हैं, शीतल लस्सी इतना गजब का काम करेगी, नक्सीर ज़िंदगी में कभी छूट ही नहीं सकती, ये मेरा दावा आपसे, इन चीज़ों को कर लीजिए, हमेशा के लिए आप जो है अपने रक्त को शरीर के काम लाएंगे और वो बाहर बह करके रक्त आपका वेस्ट नहीं होगा। सभी को अंत में शुभ नमस्ते, धन्यवाद।